गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। फिर से आ गए हैं उसी दुनिया के अंदर और वापस स्टार्ट करेंगे व्लॉग बनाना। काफ़ी टाइम से आपको व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम हम फ्री नहीं थे, अब वापस फ्री हो गए हैं तो अब व्लॉग आगे कंटिन्यू आएंगे। और ये मारवाड़ी मिक्स ब्लॉगर हमारे साथ ही रहते हैं। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कहाँ पे आ गए। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पे जा रहे हैं, तो अब मैं बता देता हूँ आपको। आज हम जा रहे हैं रुनेचा, बाबा रामदेव जी का दर्शन करने। विकास भाई, सुनील भाई, सोनू भाई और मैं दो बाइक पे जा रहे हैं। सुनील भाई, विकास भाई आगे चले गए हैं, हम थोड़ा पीछे हैं क्योंकि विकास भाई के पास क्या है 160 cc की। और हमारे साथ ये देखिए HF डिलक्स है, तो इसका मुकाबला उसका मुकाबला ये कैसे करेगी। तो हम थोड़े दूर हैं उनसे, 5-7 किलोमीटर पीछे हैं। मैं पीछे बैठा था तो नींद की झपकी आने लगी, तो मैंने सोनू भाई को बोल दिया कि आप बाइक यहाँ पे रोक दीजिए, नहीं तो कई कई बार ये होता है कि गिर भी जाते हैं। तो इसका सेफ्टी का ध्यान रखते मैंने बाइक रुका दिया है। तो अभी हम घर से लगभग 40-50 किलोमीटर तो आ ही गए हैं, 20 किलोमीटर अभी बाकी हैं। इतना व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि पीछे कोई लोकेशन थी नहीं, वही रोड वही टिब्बे, उसका क्या दिखाएं। तो मैंने यहाँ पे आके थोड़ा देखा कि यहाँ पे ठीक है, लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आपको और बाबा जी के दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं। यहाँ पे रोड काफी ज्यादा टूटी है, ऑफ रोड का पेच है। प्लीज इस रोड को भी बना दीजिए, पीछे पीछे इतने रोड बना दिए हैं तो इसे भी बना दीजिए, किसी को परेशानी ना हो। ये देखिए कितने बड़े गड्ढे हैं, ये देखिए इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। ये आपको वीडियो में कम दिखाई दे रहा है पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसलिए बाइक को ये साइड में चला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे गड्ढे नहीं है पर। और ये विकास भाई, सुनील भाई जाते हुए, बड़ी बाइक का यही तो मजा है कि वो इस बाइक को तो कुछ पता ही नहीं लगा, जैसे कार जाती है उसी प्रकार से बाइक निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। यहाँ का बाजार देखिए दोस्तों, कितना शानदार दिखाई दे रहा है। मार्केट की बहुत ही सुंदर सजावट की गई है, मंदिर से पहले का बाजार है ये, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। रंग बिरंगी डिजाइन है बाबा रामदेव जी के, और ये रंगीन ताबे वगैरह रखे हुए यहाँ पे। बाजार बहुत ही सुंदर सजाया गया है, यहाँ पे देखते ही मजा आ जाता है इस बाजार को। ये यहाँ पे लाइनें बनाई गई है, देखिए पहले सबसे पहले आपको मार्केट के बाद जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस टाइम जो आज के डेट है तो यहाँ पे प्रसाद आपको अलाउ नहीं है, तो आप प्रसाद मत लेके आइए प्लीज़। प्रसाद आपको यहाँ पे नहीं चढ़ाने लिया दिया जाएगा, अंदर नहीं लेने, आप अंदर नहीं लेके आ सकते हो, आपका प्रसाद बाहर ही रखा दिया जाएगा, तो इसलिए आप प्रसाद प्लीज़ मत लीजिए। उसके बाद जैसे मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो इस प्रकार की ये भूल भुलैया आपको मिलेगी। ये क्यों मिलेगी? ये इसलिए मिलेगी कि जैसे ही पब्लिक ज़्यादा होती है तो इसी भूल भुलैया में पब्लिक को घुमाया जाता है। तो समाधि के दर्शन कराता हूँ, सबसे पहले कराता हूँ मंदिर का। ये देखिए ये इसका एंट्री गेट है, और ये देखिए यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है चांदी से। आज इतनी भीड़ नहीं है तो आपको सब कुछ आराम से दिखाएंगे। और ये देखिए ये समाधि से पहले यहाँ पे ये समाधियाँ लगाई गई है। वीडियो बनाओ नहीं है, वीडियो बनाओ नहीं है।
बाबा रामदेव जो आपने देखी थी, बाबा रामदेव जी की समाधि थी, वहाँ पे ज़्यादा खड़ा नहीं रहने दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो जाती है पीछे, इसलिए आपको मैंने समाधि के आज दर्शन करा ही दिए थे। और ये बाबा रामदेव जी के घोड़े ले, और ये यहाँ पे सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये यहाँ पे आकृतियाँ देखें, ये मिरर से बनाई गई है, छोटे छोटे मिरर के टुकड़े करके उससे बनाई गई है, अलग अलग रंग कलर के टुकड़े यूज किए गए मिरर के। देखिए कितने शानदार देखने में दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये डाली बाई का मंदिर है, ये डाली बाई का कंगन है, ये सोनू कंगन के अंदर से जाएंगे। ये देखिए सुनील भाई, यहाँ से। और ये इसके साथ ही डाली बाई का मंदिर बनाया गया, सुंदर सा प्यारा सा मंदिर। यहाँ पे डाली बाई का मंदिर है, और दोस्तों मैं आपको ये पंखा दिखाने वाला हूँ, पंखा देखते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर के पंख हैं, हेलीकॉप्टर के पंख होते हैं, उतने इतने बड़े पंख का पंखा लगाया गया, काफ़ी ज़्यादा हवा फेंकता होगा। अभी तो ये बंद है। सरोवर रामदेवरा सरोवर जाने का यहाँ से रास्ता है पिंगरा, और ये इसके अंदर ये किश्तियाँ भी डाली गई है, जिससे आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, इसका मज़ा भी यहाँ पे ले सकते हो तालाब। और यहाँ पे एक पर्चा बावड़ी भी बनी हुई दूसरी साइड है, वहाँ पे भी आपको दर्शन कराएंगे। ये तालाब का व्यू देख लीजिए, काफ़ी बड़ा तालाब बना हुआ है मंदिर के साइड के अंदर। ये देखो डामा डोल हो रहा है काम यहाँ पे, इससे डोल रही है। ये हिल रही है बोट यहाँ पे, चलो चलो भैया, और कोई बस बहुत है टेडी को करेंगे। हमारी नाव स्टार्ट हो गई है, नाव के अंदर सब बैठ गए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी नाव, और इसके अंदर ये बैठने के लिए भी मैट लगाई गई है, नीचे चादर बिछाई हुई है, इसमें चादर बिछाई हुई है, जूते वगैरह साइड में खोल देते हैं, शायद सब लकड़े की बनी हुई है नाव तो। और पानी बिल्कुल साफ है, ये देखिए बिल्कुल साफ। और ये देखिए बोटिंग का नज़ारा, और ये चप्पू चला रहे हैं भैया यहाँ पे, इसी से ये बोट आगे चल रही है। पानी की जो गहराई है वो 25-30 फुट है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये गहराई यहाँ पे गहराई बिल्कुल कम हो जाती है, देखिए वहाँ पे वो मिट्टी भी दिखाई दे रही है ज़मीन के बीच में। यहाँ से ये जो बोट है इसको टर्न लेके मोड़ा जाएगा, ये यहाँ रामदेवरा में पर्चा बावड़ी जो पहले बताया था वो रामदेवरा मंदिर सरोवर था, और ये पर्चा बावड़ी है।
काफ़ी गहराई के अंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे पताल लोक में जा रहे हैं धीरे धीरे। लगभग होगी 150 पेड़ियाँ के करीब। इस टाइम शायद देख के लग रहा है कि लेवल पानी का ज़्यादा है। पानी तो बहुत ठंडे, पानी तो दिखाई कौन देता। मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको ये यहाँ पे इस कारण बंद हो यहाँ पे इस का पानी है। ये पानी शायद पताल लोक का पानी है, जमीन का नीचे का पानी है। रामदेवरा पर्चा बावड़ी जब ये कोरोना के कारण बंद किया गया है यहाँ से। ऊपर नहीं पानी आ रहा, गिल्ली हो रही नहीं पानी आ रही है। और ये देखिए आज तो बहुत ही ज्यादा मोटा खर्चा कर दिया है। तीन तीन जैसी भी खरीद ली है। ये देखिए ये हमारे को ये 50 लाख की है, 50-50 लाख की पड़ी है। और ये बड़े वाली 1 करोड़ के करीब चली गई है। और ये एक घोड़ा भी खरीदा हमने। और ये एक ये देखिए स्पाइडर कार, एक स्पाइडर कार खरीदी है। तो आज मोटा खर्चा कर दिया है। और ये अब जैसी भी खरीदने के कारण भी पार्टी भी हो रही है, तो खर्चा भी स्टार्ट है। पोखरण के सारे काम है वो निपटा लिए और अब वापस घर को जा रहे हैं। अंधेरा होने वाला टाइम काफ़ी हो गया है, 7-7:30 के करीब हो गया है। 8 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले पहले हमें घर पहुंचना है, नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अंधेरे में बाइक को चलाना। पर आपको मैं यहाँ के बहुत ही सुंदर सुंदर